सो होमीस, कैसी रही आप सबकी होली? आई होप यार आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा और अच्छी गई होगी आपकी होली। तो यार फाइनली हमें वो रीजन पता चल चुका है जिसकी वजह से 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, हमें अनडिफिटेड में कोई सुपरस्टार देखने को नहीं मिला, कोई अपडेट देखने को नहीं मिला। तो फाइनली उन लोगों ने पोस्ट करके बताया है कि हमारी एनवे की टीम यानी डेवलपमेंट टीम वो एक न्यू गेम पे वर्क कर रही है, मतलब एक नया गेम डेवलप कर रही है। तो उसका उन्होंने टीजर देखो पोस्ट किया है, तो हो सकता है कि इस वजह से अनडिफिटेड में हमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन 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 क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इन लोगों की टीम उस गेम को डेवलप करने में बिजी है तो PRLW यानी इनका जो गेम है पावर रेंजर्स लेगेसी वार, उसमें समय समय पे अपडेट्स कैसे आ रहे हैं, हर महीने कैरेक्टर कैसे रिलीज हो रहे हैं, उसमें वीकली अपडेट्स कैसे ऐड हो रहे हैं, फीचर्स क्यों ऐड हो रहे हैं अगर उनकी टीम बिजी है इस गेम में। तो भाई इसको देखते हुए सिर्फ 2 ही आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, 2 ही रिजल्ट्स मन में आ रहे हैं कंक्लूजन्स, या तो अनडिफीटेड की टीम इसमें ज़्यादा बिजी है इस वजह से अनडिफीटेड को उतना फोकस नहीं दिया जा रहा है, उतना इस पर वर्क नहीं किया जा रहा है, और या फिर इन लोगों ने इस गेम को अबेंडन कर दिया है, इसको खत्म कर दिया, उन लोगों ने छोड़ दिया इस गेम को। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो वैसे ही तो अगर यार इन लोगों ने छोड़ दिया तो उनको एटलीस्ट एक पोस्ट करके बता देना चाहिए कि नहीं ये गेम खत्म है, आप लोग और कोई सोच सकते हो अपना दूसरा कोई ऑप्शन। बट जैसा कि अभी भी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, बस यही बोल रहे हैं कि अपडेट पे वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जैसे ही फ्री हों ये डेवलपमेंट करके इस न्याय गेम का तो हमें कोई अपडेट देखने को मिले, बट फिलहाल तो हमें कोई अपडेट देखने को मिल नहीं रहा है हाल फिलहाल में। और अपडेट्स को लेकर हम सब अनवे को यही बोलना चाहेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो यार जब तक आप लोगों को पसंद आ रही है सीरीज, आप लोग जब तक इस पे प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और जैसे ही इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट खत्म हुआ, इसमें कम हुआ, आप लोगों को पसंद आना कम हुआ, वैसे हम लोग इसको भी एंड कर देंगे यार, कब तक एक डेड चीज से कंटेंट निकालते रहेंगे हम लोग। सो चलते हैं यार गेम प्ले की तरफ। तो आज हम ड्रू मैकइंटायर के साथ करने वाले 3x3x3 यानी हमारे पास 9 रोज रहती हैं, तो 9 रोज में हम 3 blue 3 yellow and 3 red तो तीनों बराबर बराबर मूव्स लेके खेलेंगे। सो चलते हैं डेक में सीधे। तो ये रही हमारी डेक। ओ भाई डेक को सीधा कर दो यार, ये उल्टी डेक हमें पसंद नहीं आ रही है। तो पहले तो डेक को सीधा करते हैं, तो फिलहाल डेक सीधी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो 3 yellow मूव्स हैं ऊपर, बीच में 3 blue और नीचे 3 red यानी 3x3x3। तो चलो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो फर्स्ट मैच, मैच फाउंड फ्रॉम क्लेमोर सिटी, ड्रू मैकइंटायर स्कॉटिश वॉरियर। बहुत बढ़िया यार। ओहो मैनकाइंड, तो मैनकाइंड के खिलाफ हमारा पहला मैच। नहीं, ओके तो मैनकाइंड तगड़ा आदमी है भाई, आराम से ड्रू मैकइंटायर आई थिंक वन ऑफ द वीकेस्ट पावर हाउस हम कह सकते हैं, जिसके पास ना तो ज़्यादा कॉम्बोस एबिलिटी है और ना ही मतलब ज़्यादा उतनी तगड़ी इसकी एबिलिटी भी है, तो स्किल भी उसकी स्टाइल खेलने की उतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो फिलहाल हमने एल्बामा स्लैम दे दिया है, ओके इस बार भी काउंटर कर दिया हमारे मूव को हमने उसके, नहीं फंसा नहीं, ओके पंचिंग स्ट्राइक्स और ये लगाया ताबड़तोड़ मुँह पे गिरा के मुक्का मार दिया है। फिलहाल मैनकाइंड ताबड़तोड़ पोजिशन में हावी है। इसके बाद नहीं, मुझे लगा स्ट्राइक देगा शायद मैनकाइंड, बट नहीं दिया, कोई बात नहीं, ड्रू को पीटा जा रहा है। ओके रोक थ्रो, अभी शायद नी बैश लगाने के चक्कर में होगा। नो हो हो, वन आर्म डीडीटी, बहुत बढ़िया। ओके पंचिंग स्ट्राइक, बैक ब्रेकर फ्रॉम द ड्रू स्कॉटिश वॉरियर। तो इस बार हाइप रेडी हमारी बस, और हाइप सब बहुत, यही तो मतलब वीक है ड्रू मैकइंटायर की खेलने की स्टाइल की, मतलब हाइप लगाने के बाद भी हम लोग कॉम्बोस यूज नहीं कर सकते। नहीं, हाइप मिस, और ये हमारी हाइप हो चुकी है बेहतरीन तरीके से कनेक्ट। तो हमारी हाइप कनेक्ट होने के बावजूद भी हम उसको अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी ड्रू की एबिलिटी चल नहीं रही थी, ऑन नहीं थी। हर 30 सेकेंड बाद इसको 20% का डैमेज बफ मिलता है शायद 10 सेकेंड के लिए। ओके वन, नहीं ग्रैपल ब्लॉक लग जाना चाहिए था यार, लगा नहीं, वरना थोड़ा मैच का सिनेरियो बदल जाता तो हम लोग एंड हो चुके हैं लगभग। दोनों फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं, तो दिस विल बी द लास्ट राउंड, जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब महल के अंदर। तो फिलहाल ये जा रहा है मैकइंटायर और धमाकेदार जमीन में गुस्सा दिखाऊ शॉट। इसके बाद ब्लॉक, पहली बार ब्लॉक में फंसा दिया हमने। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर, नहीं, दोनों कॉपी ब्लॉक्स। ओके वन आर्म डीडीटी, तो फिलहाल हम पूरी तरीके से हारने के मूड में हैं, और यहाँ पे मैनकाइंड क्लॉ लगा दिया है इसने, अब हम बिल्कुल समझ सकते हो हार सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्किल है मैनकाइंड वो काफ़ी हावी हो रही है हम पे।
तो इसकी स्किल है भाई, हेल्थ खान जाने के साथ साथ इसका डैमेज बब बढ़ता जाता है यार, 3% का डैमेज लेता रहता है हर 10% हेल्थ के साथ, और कहीं अगर इसकी हेल्थ चुल्लू भर बची हो तो फिर भाई ये अलग ही लेवल पे काम करता है इसका डैमेज। फिलहाल तो हमारी तीन किक्स जिसको बोलेंगे क्लैमोर किक्स, 1, 2, 3 ओके रोप थ्रो। अब यहाँ पे मैच थोड़ा फंस सकता है, एल्बो स्ट्राइक, उसके बाद नहीं रोप थ्रो फिर से कर दिया है मैन का, ओके तो हमारी हेल्थ एकदम जाने, और बच गया और ये भी बच गया, दोनों बच गए हैं फिलहाल। अब ये आगे पीछे वाला गेम चल रहा है, कोई एक दूसरे को टच नहीं करना चाह रहा है, तो ये काफी मजेदार गेम प्ले हो सकता है। ये यहाँ पे इनकी वन आर्म डीडीटी, ओ कनेक्टेड, तो ये मैच हम लोग हार चुके हैं लगभग। ओ ओ हो, 20 हेल्थ ब्लॉक, नहीं हमारे पास हेल्थ बहुत कम है, ये अलबामा स्लैम हो सकता है हमारा कनेक्ट, इसके बाद हमने नहीं लगा सकते कुछ भी भाई यार, ये बहुत गलत बात हो रही है, और जंपिंग जपाक डांस चल रहा है, आगे पीछे नाच रहे हैं, ओ ये कुछ पुष्पा स्टाइल में आगे पीछे हो रहे हैं हम लोग फिलहाल। ये क्या चल रहा है यार, सीन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बच गए, ब्लॉक लगाया, और इसके बाद हम हो सकते हैं मैच विनर, यस हम मैच जीत गए क्योंकि हमारी एबिलिटी चल रही थी यार 20% डैमेज बफ की, सो यार बहुत ही नज़दीक आके हमने मैच को जीता है, बट हैट्स ऑफ टू मैनकाइंड, बहुत बढ़िया खेला यार, मतलब मज़ा ही आ गया। तो ड्रू मैकइंटायर की एबिलिटी की वजह से हम लोग मैच आखिरकार जीत गए फाइनली। तो चलते हैं सेकंड मैच की तरफ, देखते हैं 3x3x3 वर्क करता है या नहीं। तो सेकंड मैच ड्रू मैकइंटायर के सामने होंगे हमारे लेजेंडरी इमोर्टल हल्क होगा, व्हाट यू गोना डू ड्रू मैकइंटायर। फिलहाल आते ही डीडीटी का मजा चखा दिया है, तो आप समझ लो बहुत तगड़ी वाली कमर तोड़ी जाएगी ड्रू मैकइंटायर की। एक तो बेचारा कमजोर आदमी, खेलने की स्टाइल भी कमजोर है और एबिलिटी भी कमजोर है, कॉम्बोस है नहीं, बचा खुचा है जो हल्क होगन आ गया वो भी तुम्हारा नाश कर देगा सब कुछ। तो फिलहाल ब्लॉक, ओके कोई बात नहीं, हल्क होगन पीछे जाते हुए, अब बस हमें ये देखना है कि हम जल्दी हारते हैं या थोड़ा देरी में हारते हैं, वही मतलब ज़्यादा बेइज्जती करके हारते हैं या फिर थोड़ा कम बेइज्जती लेके हारते हैं। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा काउंटर एल्बो स्ट्राइक से, पंचिंग चल रही भाई फिलहाल, बेट बचाओ शॉट नहीं लगा इनका, ग्रैप हॉल शॉट, ओके रोप थ्रो, हम देंगे जमीन में गुस्सा दिखाओ, शॉट लगाने वाले हैं हम, ये लगाया तगड़ा। अब इनकी हेल्थ काफ़ी जा चुकी, डैमेज नहीं इतना आसानी से नहीं भाई, रुक जाओ हमारे पास तीनों ब्लॉक्स हैं, 3x3x2 वर्क कर रहा है हमारा अच्छे तरीके से, अलबामा स्लैम लग चुका है, बहुत बढ़िया। अभी ड्रू क्रिक, अरे रे 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 रे, बहुत बढ़िया हाइप मिस, तो हम देंगे रोप थ्रो, इसके बाद जमीन में गुस्सा दिखा के हो गया इनका काम तमाम। तो हल्क मैनिया वाइल्ड हो रही है, मैच को अभी जीता मत समझो, ना ही मैच में बहुत आगे समझो अपने आप को, क्योंकि अभी तो हल्क की शुरुआत हुई है भाई, अभी तो उसको गुस्सा आया, अब वो दिखाएगा अपनी असली पावर, नहीं दिखाया, दिखा दिया थोड़ा वेट कर रहा था वो कि तुम कोई गलती करो तो हम तुमको ठोक बजाएं। तो ये रहा ठोकने का स्टाइल, फर्स्ट राउंड जीत गया हल्क होगन, इसीलिए उसको हल्क कहा जाता है, द इमॉर्टल वन कहा जाता है उसको इसी वजह से। नहीं ये गलत बात है भाई, अरे यार ये मिस क्यों हो गया, हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, ये तो काफ़ी तगड़ा चीज़ हो गया हमारे साथ, बट अब वही जैसा बोला था पहले ही, बेइज्जती कम करके या बेइज्जती ज़्यादा करके हारना है। तो फिलहाल हम तगड़े मैच में बने हुए हैं अभी भी, हमारे पास हाइप ओहो काउंटर, एक नंबर काउंटर बोलेंगे इसको हम, जबरदस्त काउंटर, इसके बाद और कोई चारा और ऑप्शन कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे 1, 2, 3 क्लैमोर किक। क्लैमोर किक के बाद वन राउंड इनका, वन राउंड हमारा, तो आप कह सकते हैं हम लोग मैच बराबरी पे हैं लगभग, मतलब हम लोग थोड़ा पीछे ही समझेंगे अपने आप को, बराबरी पे तो नहीं है, हमारा जो प्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लगभग वीकी टाइप का है, और फिलहाल फ्लोराइजर थकला फोड़ू फ्लोराइजर खा भी रहा है, और इसके साथ मैच ख़त्म भी हो रहा है। पेट बचाओ शॉट, इसके बाद देगा कोई ग्रैपल शॉट शायद, नहीं हमें कुछ संभलना है, शायद मैनकाइंड की वाले मैच की तरह हम कुछ कमाल कर सकते थे, बट धमाल कर दिया हल्क होगन ने, क्योंकि वो इमॉर्टल वन है तो उसने हरा दिया है ड्रू मैकइंटायर को। सो हियर इज योर विनर हल्क इमॉर्टल वन होगन। सो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट गेम प्ले की तरफ, और लास्ट गेम प्ले में क्लैमोर सीढ़ी में एंटर हो रहे हैं द अल्टीमेट वॉरियर। तो चलो अल्टीमेट वॉरियर से भी पूछते हैं, और दोनों ने ब्लॉक, कोई बात नहीं, अल्टीमेट वॉरियर भी एक नंबर तगड़े प्लेयर हैं, इनके सामने भी हमारा ड्रू वीकी टाइप का है, बहुत बढ़िया ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स का मजा चख रहे हैं हम लोग।
तो लगभग समझ लो हल्क होगन की तरीके इस मैच को भी हमको कम बेइज्जती के आंकड़े से हारना है, ज़्यादा हेल्थ, ज़्यादा एक राउंड मतलब लगभग दोनों राउंड से नहीं हार जाना है वरना बहुत बुरी तकलीफ हो जाएगी। अरे वाह, इन्होंने लीपिंग शोल्डर ब्लॉक चला और वो मिस हो गया, तो हमने दिया रोप थ्रो एल्बो स्ट्राइक। इसके बाद हमारे पास है बैक ब्रेकर जो कि मिस करेगा इनकी रनिंग नी बैश को, डाम डाउन। अरे वॉल स्प्लैट हो जाना चाहिए था यार, तो हमको थोड़ा हेल्थ मिल जाती। कोई बात नहीं, पीछे चलो। अरे अल्बामा स्लैम नहीं हुआ कनेक्ट, कोई बात नहीं बेटा, आराम से अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस टकला फोड़ू शॉट पड़ रहा है। ओहो, इसकी उम्मीद तो हमको भी नहीं थी यार, इतना जल्दी ये ऑप्शन ले लेगा, मुझे तो पता नहीं था हाइप इतना जल्दी एक्टिवेट कर लेगा। तो फिलहाल गोरिल्ला क्रैश टू रनिंग स्प्लैश पड़ रहा है हमको, गोरिल्ला ड्रॉप टू रनिंग स्प्लैश के साथ फर्स्ट राउंड इनके नाम हो चुका है। अभी के लिए हम थोड़ा लीपिंग शॉटर ब्लॉक फिर मिस, नहीं ब्लॉक। अब ये कुछ चमत्कारी हो सकता है, अभी हमको चलना पड़ेगा। अरे रे रे नहीं, बच गए, हमको तो लगा मिस ना हो जाए। तो अब हम यही सबसे वीक पार्ट है इसका कि हाइप देने के बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिलहाल पावर हाउस को कॉम्बोस एबिलिटीज में कम किया गया है, बट उनके मूव्स को स्ट्रॉन्ग किया गया है और बैक ब्रेकर, क्योंकि ड्रीम मैकइंटायर की एबिलिटी चल रही है तो बैक ब्रेकर भी डैमेज देगा बहुत ही तगड़ा वाला। उसने दे भी दिया है एल्बो स्ट्राइक, नहीं काम करी। अब ये देगा, बच गया, नहीं दे पाया। अब ये देगा बहुत तगड़ा वाला शॉट, बच गया, फिर से नहीं दे पाया। और अभी हम भी नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी शॉट, और लो पकड़ के डाल दिया जमीन में, ठोक दिया मुक्का मुंह पे। और फिलहाल तो हम बोल सकते हो कि लगभग बराबरी पे, नहीं अब बराबरी नहीं है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर की एबिलिटी आ चुकी है और वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे इस एबिलिटी में। अरे वाह, ये होता है असली अल्टीमेट वॉरियर, जब भी टाइम आए तो हाइप लगाए और गोरिल्ला स्प्लैश, गोरिल्ला ड्रॉप टू रनिंग स्प्लैश दे जाए तो खत्म मैच। तो उमीस ये मैच हुआ का नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ शायद, ड्रू मैकइंटायर में कुछ बाकी है। और यहाँ पे क्लेमोर किक से हम लोग ने मैच जीता, मतलब इम्पॉसिबल यार, अनहोनी को होनी कर दिया ड्रू मैकइंटायर ने, वाह। तो धोनी के स्टाइल में ड्रू मैकइंटायर ने अनहोनी को होनी किया और अल्टीमेट वॉरियर को हरा दिया। सो गुड बाय उमीस, कीप स्माइलिंग, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन से वीडियो में।